नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज का संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में जुड़ रहे सभी पाठकों का जीएस न्यूज की ओर से मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रत्येक रविवार को संध्या एक संडे लाइव इंटरव्यू आता है जिसमें हम एक खास मेहमान को लेकर आते हैं और आप सबों के बीच उनसे मुखातिब कराते हैं। आपके भी सवाल होते हैं, हमारे भी सवाल होते हैं और इसका एक मिश्रण चलता है। तो आज का संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू के 19वें एपिसोड में हमारे साथ हैं नौगछिया के सुप्रसिद्ध सुविख्यात डॉक्टर बीपी सिंह। डॉक्टर साहब, हार्दिक स्वागत है जीएस न्यूज के लाइव इंटरव्यू में। धन्यवाद। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब लाइव इंटरव्यू में आपको? अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब। जब हमारी टीम इंटरव्यू फाइनल करती है किसी भी जो मेहमान आने वाले रहते हैं उनको लेकर, जो है बहुत सारे जो हमारे व्यूबर हैं, पाठक हैं, उनके मन में बहुत तरह का भाव रहता है कि जब डॉक्टर साहब आएंगे, ये आएंगे, इनसे ये पूछेंगे, इनसे ये जानेंगे, वो जानेंगे। आपका अनुभव नौगछिया को लेकर कैसा रहा डॉक्टर साहब? पहला नौगछिया को लेकर अच्छा अनुभव है जी। अच्छा रहा। नौगछिया हमारा हर चीज में काफी अव्वल रहा है पूर्व से ही डॉक्टर साहब, इसका श्रेय आपको, आप किसे देना चाहेंगे कि नौगछिया क्षेत्र हमेशा अव्वल रहा है जी? ये तो यहाँ की का जो मतलब लोगों का जो रहन सहन का जो लेवल है जी, थोड़ा ऊपर दर्जे का है जी। और रह गया कि मान ले बिहार जिस चीज से प्रभावित है जी, तो वह तो यहाँ भी है जी। और जहाँ तक डिजीज उजीज का सवाल है इस लोकलिटी में जी, तो अभी देखिए कि अभी जो देख रहे हैं हम लोग खास करके डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम, थायरॉयड, गोल्ड ब्लैडर का स्टोन, रीनल स्टोन जी, तो ये सब जो है जितनी भी जो ये सब जो बीमारियां जो है आज जो इतना उग्र रूप धारण किए हुए है उसका जो मूल कारण है वह लोगों के जो है खान पान में जो है सो जो चेंजिंग जो आई है जी, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब जो लोग ले रहे हैं। और फिर रह गया कि सबके मूल में आज जो बीमारी का जो प्रकोप जो इतना जो बढ़ गया है जी, उसका जो मूल कारण है वह जो है स्ट्रेस है, तनाव है। आज अभी के समय में लोगों की ज़िंदगी जो है मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी जो है तनावपूर्ण ज़िंदगी हो गई है और तनाव के चलते ही आज जो डायबिटीजर का जो इतना जो रेशियो जो बढ़ गया, कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ गया, हाइपरटेंशन बढ़ गया, संसाधन जो है सीमित है, लोगों की आवश्यकता जो है सो बढ़ चुकी है, काफ़ी बढ़ गई है, आकांक्षा जो है लोगों की बढ़ गई है, जिसके चलते जो है मैक्सिमम लोग जो है तनाव में रहते हैं। और टेंशन के चलते ही आज जो इतनी जो बीमारियां जो बढ़ रही है वो खान पान का जो रंग ढंग बदल गया है, लोगों के खाने पीने में जो है फाइबर फूडर का बहुत कमी है, हरी साग सब्जी फल इसका सेवन जो है लोग कम कर दिए हैं। आजकल का बच्चा उच्चा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, प्रायः मतलब छोटे छोटे बच्चे को इतनी कब्जियत रहती है, कंस्टिपेशन रहता है, उसका मेन कारण है कि लोग जो है फाइबर फूड नहीं लेते हैं, फल का सेवन नहीं करते हैं, बच्चा सब जो है हरी साग सब्जी नहीं खा रहा है, सब जो है वो कुरकुरे तो लेज फेज ये सब जो है खा के सब बच्चा जो है कंस्टिपेटेड है, माल न्यूट्रिशन में भी जा रहा है, अच्छा भोजन लेना नहीं चाहता है, घर का बना हुआ खाना और मार्केट का जो है सब चीज़ ये सब खाता पीता है, ये सब के चलते जो है। और अभी दो तीन बीमारी ऐसी है जिसे हम जो अपने प्रैक्टिस में देख रहे हैं जी, वो डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम, खान पान के चलते जो है किडनी का स्टोन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गोल्ड ब्लैडर में तो स्टोन पहले से भी होता था लेकिन अभी जो है किडनी का स्टोन जो है, चाहे यूरेटर का हो किडनी का हो, इतना ज़्यादा बढ़ गया है और उसमें खान पान का बहुत ज़्यादा रोल है। सब वही जो मतलब कि आदमी का जो अपना जो लाइफ जो है ना
वो कोई संयमित लाइफ तो जी नहीं रहा है। मैक्सिमम लोग जो है सो तनाव की ज़िंदगी जीते हैं, टेंशन में रहते हैं। आज इतना इतना डायबिटीज का रेशियो बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का रेशियो बढ़ना, कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ना, ये सब जितनी भी चीज़ है सब जो है तनाव जनित रोग है ये सब। डॉक्टर साहब, पहले ये शहरी क्षेत्र के लिए होता था कि जो शहर में लोग रहते थे उनका सोने का समय या जगने का समय, खाने का समय निर्धारित नहीं था तो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते थे। आज ग्रामीण क्षेत्र, हमारे नौगछिया क्षेत्र के भी लोग इससे काफ़ी पीड़ित होते जा रहे हैं। लगातार मतलब प्रत्येक परिवार में शुगर का पेशेंट आ रहा है, किसी को भी चीनी की बीमारी हो रही है। मतलब ज़्यादातर जो है लोग, हर परिवार में दवाई चलने वाले लोग हैं डॉक्टर साहब। मैक्सिमम अभी तो मान लिया बोले न कि मतलब सडन जो है, पहले मान लिया कि डायबिटीज में हम लोग जो है हेरिडिट्री कहने का मतलब पूछते थे आपके पिताजी को है कि नहीं, उनके ऊपर में है कि नहीं, डायबिटीज की हिस्ट्री है कि नहीं, ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री। अब तो कहीं कोई हिस्ट्री चाहिए ही नहीं, अब तो जो है पूर्व में किसी को नहीं रहा है और सडन जो है सो सबको डेवलप कर रहा है। अच्छा रह गया दूसरा क्या फैक्टर है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज में क्या पाते हैं कि जो भी मान लिया कि बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, वो दवा का नियमित सेवन नहीं करते। अच्छा, प्रॉब्लम बढ़ा, शुगर बढ़ा तो कुछ दिन के लिए दवा खा लिए, फिर जो है दवा को छोड़ दिए, फिर जो है बढ़ा तो फिर जो है खाए। तो ये सब जो है मतलब कि जो परिस्थिति लोगों के सामने जो बनी हुई है, अब तो अभी ये सब चीज़ तो मान लिया, लेकिन सब जो है वो आदमी के रहन सहन का जो ढंग है उसमें जो परिवर्तन आया है, और प्लस मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन। अभी तो जो है मान लिया जाए कोरोना फेज में इतना एंजाइटी, इतना डिप्रेशन का पेशेंट पा रहे हैं, और कोरोना का अब जितना फेज माना जाए बृहद रूप में, इसको हम सेकेंड फेज ही मानते हैं। फर्स्ट फेज जो है यही मार्च में शुरू हुआ था जी। और सेकेंड फेज जो है फिर मार्च में स्टार्ट हुई है जी। जिसका पीक जो है 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक बन जाना है। अगर अभी जो है लोग अगर सावधानी नहीं बरते, बीच में लोगों ने बिल्कुल मास्क से परहेज कर लिया, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं पालन कर रहे थे, जहाँ तहाँ भीड़ लग रही थी, लोग जो है मतलब झुंड के झुंड में चल रहे थे, तो उसी का नतीजा है कि आज कोरोना का जो है मतलब सेकेंड बृहद फेज अभी जो है मतलब कि 1000 की संख्या में जो है मतलब 20 मार्च के आसपास में था, 10,000-12,000 के पास केस थे, और आज जो है 90,000 को क्रॉस कर गया है। बिहार में जो है आज हम जो है सो 4-5 जो है कोरोना का पेशेंट देख चुके हैं। नौगछिया में आज हम 5 पेशेंट जो है कोरोना का देखे हैं, सबको जांच लिखे हैं। तो समझ लीजिए कि 20 मार्च से आज 4 अप्रैल है, मात्र 13-14 दिन के अंदर जो है कितना बदलाव हो गया है। बीच में एक भी मरीज नहीं आता था, एक आध छिटपुट जो है 10-15 दिन में मिलता था, अब तो जो है पर डे के हिसाब से मिलने लगा है। तो कोरोना का फिर जो है उग्र रूप बन रहा है, इसलिए हम तो लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग जो है निश्चित रूप से जो है हर व्यक्ति जो है मास्क का उपयोग करे, मास्क के बिना रहे नहीं घर, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, सैनिटाइजर का उपयोग करे। लेकिन सबसे ज़रूरी है अगर कोरोना से बचना चाहता है लोग, तो मास्क का निश्चित रूप से प्रयोग करे। कहे कि कोरोना का बड़ा ही मतलब कि जो देख रहे हैं तरीका या प्रसार का, इस बार का कोरोना का जो ये वेरिएंट जो है या थोड़ा घातक भी है, रेट ऑफ स्प्रेड भी इसका ज़्यादा है, ट्रांसमिशन का दर इसका ज़्यादा है, फैलेगा तेज़ी से, थोड़ा सा लोगों को प्रभावित भी ज़्यादा करेगा। इसलिए लोग बिल्कुल सतर्क और सावधान हो जाएं, और मास्क तो अनिवार्य रूप से जो है सो उसका उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये बहुत ज़रूरी हो गया है अभी के समय में। तो कोरोना जो है अपना बड़ा ही मतलब कि क्या कह सकते हैं कि मतलब लोगों को काफ़ी परेशान करेगा ये।
और लगातार जो है डॉक्टर साहब की जो प्रतिक्रिया है वो आप सबों के बीच है लाइव में, और लाइव में जुड़ रहे सभी पाठकों का हम जीएस न्यूज़ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस लाइव इंटरव्यू में बने रहने के लिए। और भी कुछ सवाले होंगे, और चूंकि डॉक्टर साहब के लिए समय निकालना बहुत ही जो है वो दुर्लभ होता है, क्योंकि लगातार पेशेंट पहुंचते रहते हैं, पुराने वाले भी, उनको भी लगता है कि रविवार का दिन हो तो मुलाकात हो सकता है, इसलिए भी आइए हम लोग तो कुछ कमेंट पर ध्यान दें। और एक बात, हाँ, एक विशेष जानकारी हम दे दें कि हमारे लाइव परफॉर्मर ऑफ द इंटरव्यू जो होता है, जिनको हम जानकारी देते हैं, पूर्व से 2 लाइव इंटरव्यू के परफॉर्मर की जानकारी नहीं दी गई थी, उन्हें मैं इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से दे रहा हूँ, जिनमें कि 17वां एपिसोड जो था, 17वां लाइव इंटरव्यू, वो डॉक्टर संदीप गुप्ता के साथ था, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं नौगछिया के, उनका लाइव इंटरव्यू था 17वां एपिसोड में, जिनके लाइव परफॉर्मर ऑफ द इंटरव्यू बने हैं सुबोध कुमार। सुबोध कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको हमारी जीएस न्यूज़ टीम जल्द ही संपर्क कर आपको उपहार से सम्मानित करेगी। इसके बाद 18वां एपिसोड जो होली के दिन था, जो हमारे माधवानंद ठाकुर के साथ था, लोक गायक हैं, उनके इंटरव्यू में कई लोगों ने कमाल कर दिया है, 30-32 कमेंट किए हैं, बहुत सारे शेयर हैं, और उसको देखते हुए टीम के द्वारा अभिनव मानस को सर्वाधिक लगभग 53 कमेंट और शेयर के चलते और सभी एक्टिविटी के कारण उन्हें जो है हमारी टीम परफॉर्मर ऑफ द लाइव इंटरव्यू के नाम से घोषित करती है, जो 18वें एपिसोड में था। इसके अलावा हम बताते चलें कि अगर आप भी लाइव इंटरव्यू के परफॉर्मर ऑफ द इंटरव्यू बनना चाहते हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्द शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कुछ सवाल हो, कुछ आप जानना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए डॉक्टर साहब, कुछ लाइव प्रोग्राम जो चला है इसमें कमेंट आ रहे हैं। आलोक कुमार झा लिखते हैं, वाह बाबुल सुपर, थैंक यू। संतोष कुमार यादव सेयरर हैं, ग्रेट वर्क सर, थैंक यू। अनिमेश कुमार हैं, ये लिखते हैं कि प्रशासन भी नहीं लगाती है। जी हाँ, कहीं ना कहीं एक लापरवाही, एक सवाल है, डॉक्टर साहब ने किसी से सवाल नहीं पूछा है, इन्होंने एक अपील की है जो यहाँ की स्थिति है। नीलेश कुमार हैं, पत्रकार हैं, ये लिखते हैं कि डॉक्टर साहब की सामाजिक भूमिका नहीं दिखती कभी, इस संकट के दौर में भी क्या वो मतलब समाज के लोगों के लिए कुछ विशेष कर रहे हैं क्या? हम तो कोरोना का जो पहला फेज जो था जी, उसमें भी मैंने क्लिनिक एक दिन भी बंद नहीं किया था जी। लगातार हम मरीज देख रहे थे जी। और आज भी जो है, आज भी मतलब कि हम 5 पेशेंट कोरोना का देखे हैं, लोगों को एडवाइस किया है, थ्रू आउट हम मतलब पेशेंट जो मेरे पास आते रहा, और बाज़ार तो घर मार्केट में तो जितने भी पेशेंट थे कोरोना के, करीब करीब जो लोग मेरे संपर्क में आए, करीब करीब आए ही, और हमने तो सबों का जो है यहाँ से लेके, हम तो मायागंज में भी जो है मतलब वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं, या मान लिया जाए वहाँ की जो आईसीयू में जो भी मतलब कि मेरे तरफ से हो सकता था, सर से रिक्वेस्ट करके जी, और यहाँ के लोगों को सुविधा दिलाने का मैंने काम किया, और लोगों की जान भी बची, मैक्सिमम लोग जो है सेफ हुए मायागंज जाके। आज भी हम जो है मतलब 2-3 पेशेंट को रेफर किए हैं मायागंज के लिए कि जाओ भाई जाके टेस्ट करवाओ कोरोना का जांच। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टीम, हमारी टीम का एक सवाल है जो बेहद खास है, आप इस क्षेत्र के ब्रांड बनकर हैं डॉक्टर साहब, लोगों को लगता है कि किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो स्वास्थ्य संबंधी, तो सीधा डॉक्टर बीपी सिंह का शब्द आता है, इसके पीछे का क्या राज है? लोग आपको इतना प्यार करते हैं सेवा भाव में कि मतलब पहला अगर किसी भी तरह की कुछ होती है तो दिमाग में आप ही का चेहरा और नाम नजर आता है, ऐसा लोग कहते हैं। जब हमारी टीम सर्वे करने लगी आपके बारे में तो लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ भी होता है सीधा डॉक्टर बीपी सिंह, इसका क्या राज है डॉक्टर साहब? राज क्या रे, मतलब अपने पेशा को जित कोशिश करते हैं कि जितना ऑनेस्टली इसको कर सकें, किसी को गलत एडवाइस नहीं दें, जो उचित होता है, और हमारा सबसे एक है कि हम किसी भी कितना ही किसी भी टाइप का मरीज हो, हम इमीडिएट उसको डिसीजन देते हैं कि तुमको अभी क्या करना चाहिए, और इसके चलते अभी हम कल एक पेशेंट को देख रहे थे, हम बोले उस दिन तुमको हमने रेफर कर दिया, बाजार का इनोनिया पट्टी का मरीज है जी। क्या किए? बोला उस दिन तो हम नहीं गए, सेकेंड डे हम भागलपुर गए, वहाँ से हमको जो है बेंगलोर रेफर कर दिया गया, हम बाईपास करा के आए हैं और अब हम ठीक हैं। तो हमको बड़ा खुशी हुई
कि चलो हमारे पास आया और हम इमीडिएट उसको सलाह दिए कि तुम तुरंत जो है स्टेप लो। तो यही है, किसी के साथ जो है मान लिया कि जो एक प्रॉपर होता है, जितना हमारा अपना सूझबूझ या जो हमारा अनुभव है उसके अनुसार जो जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं उसी मरीज को हम अपना रखते हैं, और नहीं तो फिर उसको तो इमीडिएट अपना सलाह दिए कि आपको इस काम में इस ढंग से करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारी कोशिश रहती है कि हम मरीज का समय बर्बाद नहीं करें। क्या बात, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, इस क्षेत्र के लोग विभिन्न प्रकार के हैं, आप सबको संतुष्ट कैसे कर लेते हैं? डॉक्टर साहब, सभी तरह के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपके पास पहुंचते हैं, आप संतुष्टि कैसे दिला देते हैं जो लोगों को लगता है कि नहीं, डॉक्टर साहब के पास पहुंचे हैं, डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया है या डॉक्टर साहब ने यह सलाह दिया है तो यह सही रहेगा, यह संतुष्टि बहुत बड़ी बात होती है। हम देखिए कि मेरे पास बाजार का पेशेंट ज़्यादा है जी, होता है क्या कि उन लोगों को जो डायग्नोज कर दिए, अब वो जब बाहर जाते हैं, अब बाहर से जब आते हैं दिखा के जी, तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जो है वहाँ पर गए, इतना इतना सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये जांच हुआ, इतना खर्च हुआ, लेकिन प्रॉब्लम जो है वही निकला जो आपने कहा था। तो लोगों को एक जो है इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, लोगों का लोगों को संतुष्टि भी मिलती है इससे। डॉक्टर साहब, सुभाष चंद्र वर्मा जी हैं, वो लिखते हैं कि आपकी जो खासियत है वह है कि आप सभी तरह के पेशेंट को एक निगाह से देखते हैं और अपने विचार और उपचार दोनों एक साथ चलाते हैं, अपने विचार भी देते हैं पेशेंट को और उनका उपचार भी करते हैं और वो बहुत संतुष्ट हो जाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आपका मतलब जब ज़रूरत होता है तो आप बिल्कुल सटीक तरीके से उनका समय पर सब ट्रीटमेंट कर देते हैं और संतुष्ट भी करते हैं। नौगछिया की भी कुछ सामाजिक संस्था हैं जिनमें आपका कार्य जो है वो हमेशा बेहतरीन रहता है जी। अपने लेवल से प्रयास तो करते हैं जी, अपने लेवल से हम प्रयास करते हैं कि कोई उस तरह की बात नहीं बने या कोई उस तरह का भूल नहीं बने हमसे। डॉक्टर साहब, एक हमारे पाठक हैं, वो लिखते हैं कभी कोरोना में इन्फेक्शन रेट अधिक है लेकिन मॉर्टलिटी रेट कम है, इसके बारे में समझाएं। ना, मॉर्टलिटी रेट जो है कुछ ज़्यादा है जी। पीछे के बनिस्पत इस बार का जो वेरिएंट है ना जी, वो जो है मतलब इसका मॉर्टलिटी रेट ज़्यादा है जी। मॉर्टलिटी रेट ज़्यादा है, इसका सिवरिटी भी ज़्यादा है, पेशेंट जो है सो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। मान लिया जाए कि स्टार्टिंग में क्या है, लंग्स जो है अफेक्टेड होता है, फिर तो मान लिया जाए कि मल्टीपल ऑर्गन अफेक्टेड होता है इसमें भी, लेकिन इस बार जो है वायरस का जो सीवरिटी जो है वो ज़्यादा है। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, मिनी लॉकडाउन हो गया है पूरे बिहार में, विगत कल रात्रि से ही मिनी लॉकडाउन कर दिया गया है, क्या लगता है कि पूर्व की तरह फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा पूर्ण लॉकडाउन किया जा सकता है? पूर्ण लॉकडाउन की संभावना तो थोड़ा कम दिख रही है जी, इसलिए कि केसेज जो है आधा से अधिक केसेज जो है सो महाराष्ट्र में ही है जी। और अगर बहुत विषम परिस्थिति बनेगी तब तो किया भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी सब पहले तो जान की रक्षा की जाएगी ना लोगों की, और बाद बाकी चीज़ तो अरे अर्थव्यवस्था हो, दुनिया हो, दारी हो, ये तो बाद की चीज़ है। लेकिन ये अप्रैल से मई का जो महीना है जी, अगर लोग सचेत नहीं हुए जिस कदर से जो है मतलब कि कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, अगर इसमें सतर्कता अगर नहीं बरती गई तो बहुत बड़ी भूल होगी, और इस बार का जो कोरोना जो है पिछले से ज़्यादा घातक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा एक सवाल था, कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि ये वेरिएंट अलग अलग कोरोना के कोविड के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दूसरे देश से आ रहे हैं, यहाँ के लोग मध्यम वर्गीय लोगों का सवाल है, यह वेरिएंट भारत में कैसे प्रवेश करता है जबकि इतनी स्वास्थ्य को लेकर इतनी सुरक्षा व्यवस्थाएँ हैं भारत में? ना, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ही जगह से, इस सब में म्यूटेशन होता है वायरस में जो है ना, वो चेंजिंग भी होती है, वो स्वतः चेंजिंग रहता है,
और ड्यू टू म्यूटेशन के चलते जो है ये वेरिएंट जो है सो मतलब अपने देश में भी पैदा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बाहर से ही आएगा। अच्छा, बहुत ही लाजवाब तरीके से डॉक्टर साहब तो काफ़ी अनुभवी हैं। डॉक्टर साहब, कुछ हम व्यक्तिगत आपसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका मतलब जन्म स्थान कहाँ है और जो है आपका जन्म कहाँ है? हमारा जन्म स्थान तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। जमुई में है जी। तो आप सर नौगछिया कैसे आए? हम जो है मतलब 1988 में ही यहाँ आए थे, मतलब प्रैक्टिस के दौरान। नहीं, बिहार सरकार के जॉब में थे, उसी में जो है उसी में नौगछिया आए, तो फिर नौगछिया के ही हो गए, यहीं रह गए, नौगछिया में रह गए। तो डॉक्टर साहब, जिस समय आप आए थे 1988 में और अभी 2021 है, क्या नौगछिया में बदलाव है डॉक्टर साहब? नौगछिया में काफ़ी बदलाव है। जैसे जिस समय आप आए थे उस समय की कुछ चीज़ें चर्चा करें। लगातार हमारे साथ लाइव में बढ़ते लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको शुरू के समय में जानते होंगे, बहुत सारे हमारे पाठक हैं जो 90 ईयर्स ओल्ड हैं, 90 साल से ज़्यादा के हैं और बहुत गौर से वो इंटरव्यू देखते हैं। उनको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके बैचमेट हों, मतलब आपके उम्र के हों, आपसे पहले कभी मिले हैं और बाद में वो कमेंट करेंगे या करवाएंगे कि अरे हम तो जानते हैं इनको, हमारे साथ थे ये जी। अरे अभी हम बदलाव क्या देखिए कि उस समय एक बाल भारती हिंदी मीडियम स्कूल थी, आज जो है बाल भारती इंग्लिश मीडियम है जो CBSE से एफिलिएटेड है जी। और मतलब इस शहर का मतलब क्या कहिएगा कि एक बहुत ही ख्याति दिलाने वाली चीज़ है, हर तरह का। अब यह जो है मतलब उस समय पुलिस जिला भी नहीं थी, अब पुलिस जिला हो गई है, अब जो है जिला होने के कगार पर है। तो नौगछिया में बदलाव तो काफ़ी है और हर तरह से देखते हैं कि सोशल सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी चेंजिंग आई है, सामाजिक बदलाव भी जो है, लोगों के रहन सहन का स्तर भी काफ़ी ऊपर गया है पहले के बनिस्पत, सुरक्षा रक्षा भी काफ़ी बढ़ी है, जो है सुरक्षित ज़्यादा महसूस करते हैं पहले के बनिस्पत अभी। जी डॉक्टर साहब, जब मतलब आप थोड़ा सा पहले हम आपके व्यक्तिगत, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं डॉक्टर साहब? हमारे परिवार में हमारा छोटा भाई है, वो अभी जी बाढ़ में प्रैक्टिस करता है, उसकी वाइफ मतलब वो भी डॉक्टर ही है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, आपने MBBS कब किया था? क्योंकि बहुत सारे हमारे MBBS के जो स्टूडेंट होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट, वो बड़ी गौर से देखते हैं डॉक्टर का इंटरव्यू, वो बहुत सारा ईमेल आता है, मैसेज आता है कि वरुण जी आप डॉक्टर साहब से जो इंटरव्यू लेते हैं उसमें हमारी चर्चा कीजिए, हमारे लिए वो बहुत बड़े मार्गदर्शन है। तो डॉक्टर साहब, आपने MBBS कहां से किया और कब किए? हम तो पटना से ही किए थे लास्ट में, मतलब वो 1982 में किए। 1982 में? डॉक्टर साहब, उस समय तो मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही टफ होता होगा अभी के लगभग में। हाँ, पढ़ाई टफ थी, पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी ऊपर, बहुत ऊपर दर्जे का था जी। तो अभी के वर्तमान में जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जो अभी लाइव इंटरव्यू देख रहे हैं, बिल्कुल लाइव चल रहा है कि वो मेडिकल लाइन में जाना चाह रहे हैं, वो भी कुछ दिन में डॉक्टर बन जाएंगे जी? यह जो है मतलब बहुत लगन और बहुत मेहनत का है जी। और इसमें जो है बहुत सच्चाई से मेहनत करनी पड़ती है, चाहे कोई भी स्टूडेंट रहे तभी उसको सफलता मिलेगी। मेहनत से जो है, परिश्रम से हमेशा जो है जुड़ाव रखना होगा, बिना इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता है, हर लाइफ के हर स्टेज पर इसमें जो है बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि आप 88 में लगभग नौगछिया आए, अगर हम लोग बात करें तो लगभग 22-23 साल आपका नौगछिया रहा, आपने उस दरमियान को भी देखा, 32 हो गया डॉक्टर साहब, आपने जो है वो उस दरमियान को भी देखा जिस समय यहाँ काफ़ी अपराध चरम पर था, नौगछिया की स्थिति बहुत ही भयावह थी, उस समय के लोगों को कैसे संतुष्ट किया या उस समय को कैसे झेला आपने डॉक्टर साहब, क्योंकि चिकित्सक के पास तो हर तरह का लोग पहुँचेगा जी? हम लोगों के पास तो हर तरह के लोग आते थे और जिनका जो काम रहता था उनका करते रहते थे जी। जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता हमसे होती थी जी, उसको पूरा करने का प्रयास करते थे हम लोग।
कभी कभी डर भी लगा डॉक्टर साहब, यहाँ यहाँ के कुछ मतलब कि जिस तरह से पहले जो है गुटबाजी अपराध होता था या उस तरह के लोग थे, बहुत ही नौगछिया का बहुत ही पिछड़ा जंग मतलब माना जाता था, कहता था कि एक जंगल वाली स्थिति है, कभी कुछ हो सकता है नौगछिया में। मैं वैसा तो नहीं लगता था, हल्का फल्का तो कभी कभी महसूस होता था, लेकिन उस तरह की वैसी कोई खास बात नहीं थी। इसलिए कि हम लोगों का मान लिया जाए कि ऐसा पेशा है, इस पेशा में सब लोगों को आना जाना ही रहता है, आते जाते लोग रहते हैं, मिलते जुलते रहे, और हमसे तो लोग जो है मेडिकल संबंधित नहीं काम की बिल्कुल बिल्कुल ये रखेंगे, तो उनका जो काम रहता था वो हम लोग करते थे। डॉक्टर साहब लगातार बढ़ते जो है पाठक जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे पाठक हैं, और मैं सबों का स्वागत करता हूं, मैं सबों को जानकारी देते जाता हूं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जल्द से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग देखें, अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो। डॉक्टर साहब, एक सोनी कुमारी हमारी पाठिका हैं, उन्होंने लिखा है कि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है और लगभग लोग हमारे क्षेत्र के और सब जगह के इससे पीड़ित होते जा रहे हैं। मोटापा इन रियल सेंस एक बहुत बड़ा रोग है और प्रयास करना चाहिए इससे बचने का, इसलिए कि आगे चल के जो है जितना भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक ब्लॉकेड है, कोलेस्ट्रॉल जो फैट है तो उसका लेवल जब ऊपर जाएगा तो सब चीज़ डेवलप कराएगा, और सबसे ज़्यादा दुखद तो मतलब कि सारे ज्वाइंट्स को जो है सो चौपट कर देता है, खास करके जो ठेवना जिसको जो नियर ज्वाइंट्स है वो सब तो इतना बुरी तरह प्रभावित होता है मोटापा के चलते। इसलिए इससे और उससे बचने का तरीका है कि खान पान का ढंग जो है लोग बदलें, सुबह शाम जो है अपना थोड़ा सा समय निकाल के वॉकिंग करें, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब जो आज के जो प्रचलन में है, ईजा वीजा क्या फी सब जो लोग खाता है वो सब का कम सेवन करें, फाइबर युक्त भोजन लें, हरी साग सब्जी फल भोजन में ये सब चीज़ का सलाद ये सब चीज़ का प्रयोग करें, घर का बना हुआ खाना खाएं, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, संभव हो थोड़ा सा योगा किया करें, योगा मेडिटेशन ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग और ये सब जो है सो रखें। और हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि लोग जो है तनाव से बचने का प्रयास करें। अभी बीमारी का सबसे मूल कारण जो है वो जो है तनाव है, तनाव से लोग बचें, तनाव से बचना होगा। डॉक्टर साहब, इस लंबे दरमियान में आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या किन चीज़ों की आती है आपके नज़र से, सबसे ज़्यादा यहाँ छोटे बच्चों को दिक्कत होती है डॉक्टर साहब? अब तो छोटे बच्चे में अब मान लिया जाए कि जब से भारत सरकार का ये जो है इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम जब से चला है तब से बच्चा तो बहुत सुरक्षित हो गया है, इसलिए कि मैक्सिमम बच्चे तो सब इम्यूनाइज हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं बच्चों में जो होने वाली सारी बीमारी है तो सारा बच्चा इम्यूनाइज है, इसके चलते जो है सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, सरकार ने इस तरह का जो है कार्यक्रम चला के और सारे बच्चों को इम्यूनाइज करवाया, इसलिए अभी तो अब तो बच्चे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट भी बहुत घट गई है ड्यू टू इम्यूनाइजेशन। अब तो देखिए मान लिया जाए और फिर प्रचार प्रसार ये जो है मतलब ORS दो तो जिंक पिलाओ तो मतलब ये करो वो करो विटामिन ए दे दिया करो, तो ये सब चीज़ आने से अब तो बच्चे में जो है बीमारी बहुत मतलब पहले के बनिस्पत तो बहुत कम हो गई है। अब बच्चों और में जो है आइडिया डायरिया, अब अभी क्या है बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावित किस चीज़ से है, कंस्टिपेशन से, इसलिए वो पैकेट वाला सारा सामान खाता है, लेज खाता है, बिस्कुट खाता है, तो ये खाता है, चाउमीन खाया ये खाया वो खाया, ये सब सब एदा मेदा से बना हुआ है, क्वालिटी भी ठीक नहीं रहती है, बच्चा सब मैक्सिमम बच्चा जो है कंस्टिपेशन में है, उसकी माँ बोलेगी भूख ही नहीं लगता है बच्चे को, बच्चे को भूख नहीं लगती है, बच्चा भूख क्या लगेगा मतलब, अरे वो जो है फाइबर युक्त भोजन ले, हरी सब्जी थोड़ा सा खाए, थोड़ा सा फल खाए, स्वाभाविक है लेटिन होगा, ये सब एदा मैदा ये सब जो है आलू
और मकई के सामान से बना हुआ सामान खाएगा, उसको क्या जो है लेटिन कहाँ से होगी, उसको तो कंस्टिपेशन रहेगा, कब्जियत रहेगी तो भूख नहीं लगेगा प्रॉपर अमाउंट में, वो जो है सो हाइड्रेशन नहीं रहता है, पानी नहीं, पानी की मात्रा अधिक रखे पिए, ये सब चीज़ जो है मतलब मार के भी व्यस्तता के चलते बच्चे को प्रॉपर समय में पानी नहीं दे पाती है, ये नहीं कर पाती है, खाने पीने का रंग ढंग बदल गया, इसलिए बच्चा जो है ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और अभी तो मैक्सिमम 40-50% बच्चा जो है कंस्टिपेशन का शिकार है। सबकी माँ बोलती है कि बच्चा 4 दिन से पैखाना नहीं किया है, कोई 3 दिन अब, और अभी जो है मतलब सबसे ज़्यादा अगर प्रचलन में अगर कोई बीमारी है तो वो जो है एसिडिटी की है। हाँ डॉक्टर साहब, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी इतना ज़्यादा हो गया है, उसका 2 मुख्य कारण है, एक मानसिक तनाव और दूसरा जो है खाने पीने का जो तरीका जो है लोगों का जो चेंज कर गया है, उसके चलते एसिडिटी इतना ज़्यादा है। अभी जो है मतलब जॉइंट पेनर लेके लोग आता है, हम लोग एक दवा नहीं दर्द का लिख पाते हैं, इसलिए कि अगर दर्द की दवा उसको लिखेंगे तो उसको वॉमिटिंग, पहले से उसको एसिडिटी है और एसिडिटी बढ़ा देगा और उसको वॉमिटिंग ये वो। और अभी हम इस क्षेत्र के लोगों को कहते हैं जी कि कुछ भी हुआ जी तो मैक्सिमम लोग हाइपर एसिडिटी के शिकार हैं जी। और जितना भी खास करके देहाती क्षेत्र में एक बहुत सस्ती सुई आती है जी। हम उसके बड़ी सख्त विरोधी आदमी रहे हैं, ऐसे भी हम दर्द का दवा किसी को जल्दी नहीं लिखते हैं जी जी। और एक बहुत 2 रुपये में इंजेक्शन आती है, 1.5 रुपये में इंजेक्शन आती है, वाइली बेस का बना हुआ है डायलोना, डाइक्लोफेनेक सोडियम, एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक है, वो धड़ल्ले से जो है ग्रामीण क्षेत्र में उसका उपयोग होता है, दर्द की बहुत कड़ी दवा है, कैसा भी दर्द रहे अगर एक बार इंजेक्शन पड़ जाएगा तो उसको वो दबा देगा। हम तो देखे हैं कि एक एक इंजेक्शन को लेके परफोरेशन होते हुए आँख में छेद, एसिडिटी था, एक इंजेक्शन पड़ा और जो है उसको आँख में छेद हो गई, रेफर किए मायागंज जाके ऑपरेट कराओ, तो वहाँ जाके ऑपरेट कराओ। तो इसलिए जो है दर्द का दवा का खास करके एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक का बहुत मतलब सावधानी से ही प्रयोग करें, दर्द की दवा जो है बहुत कम से कम लेने का प्रयास करें, इसलिए कि अभी जो है दर्द की दवा सब में मना है, किडनी प्रॉब्लम में आप नहीं दे सकते हैं, डायबिटीज में नहीं दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले को नहीं दे सकते हैं, हाइपरटेंशन वाले को नहीं दे सकते हैं, हाइपर एसिडिटी में तो वो जहर ही है, और वो दर्द वाला जो इंजेक्शन है बहुत चीप है, इसलिए उसका बड़ा ही धड़ल्ले से प्रयोग होता है। और कभी कभी अगर कोई हाइपर एसिडिटी का बहुत पुराना मरीज है तो उसके तो एक ही इंजेक्शन उसको घातक स्थिति में पहुंचा देता है, और इसका जो है बहुत धड़ल्ले से प्रयोग होता है, इसलिए मतलब दर्द की दवा से जो है आदमी को जो है बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो प्लेन पैरासीटामोल की गोली, कुछ भी हो प्लेन पैरासीटामोल लें, दर्द का दवा का अनावश्यक उपयोग नहीं करें, या कोई डॉक्टर की सलाह पर लें जी। डॉक्टर साहब एक हमारा सवाल था, इस बार भी जो है कोरोना के अलावा एक दूसरा विषय है जो धूप काफी तेज होती जा रही है, तो हमारे क्षेत्र में जो है चूंकि यह कृषि प्रधान क्षेत्र भी है, लोग खेत में भी काम करते हैं और खेत में भी काम करवाते भी हैं, तो उन लोगों की स्थिति जो है वो गर्मी के दिनों में बहुत ही भयावह हो जाती है, लू लगना और इस तरह की समस्या होना ये आम हो जाता है, ज़्यादातर पेशेंट आपके पास पहुंचते हैं गर्मी के दिनों में, जो बराबर लोग कहते भी हैं कि डॉक्टर साहब की खासियत है कि और लोग सलाइन लिख देते हैं, डॉक्टर साहब तुरंत घोल पहले पिलाते हैं, तो ये जब हमारी टीम सर्वे कर रही थी तो बहुत लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब की विशेषता है कि डॉक्टर साहब पहले सलाइन नहीं लिखते हैं, पहले घोल पिलाते हैं जी, इसके बारे में भी डॉक्टर साहब बताएं। लू से बचने के लिए तो हाइड्रेशन पर ध्यान देना होगा, पानी की कमी नहीं हो बॉडी में जी। एक सवाल था हमारी टीम का कि नौगछिया में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो जनसंख्या के अनुसार उस तरह की नहीं है, इस आ गया लाइट दीजिए, लाइट दीजिए।
थोड़ी सी इंटरनेट की में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, जिसके लिए क्षमा चाहते हैं। मैच कुछ सेकंड के लिए हमारा ये लाइव रुका था और फिर हम लोग वापस आ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, एक जो क्षेत्र की जो स्थिति है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पहले हमारा साधारण सा एक अनुमंडल था, पुलिस जिला बना, फिर अब जो है जिला बनने के लिए अग्रसर है और बिल्कुल इसके लिए सारी चीज़ें रखता है, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएँ जो है वो बेहद बदतर होती जा रही है डॉक्टर साहब। मतलब कुछ भी छोटा चीज होने पर सीधा अस्पताल से रेफर, नॉर्मल एक्सीडेंट रेफर, मतलब लग रहा है जैसे कि यहाँ सिर्फ एक रेफरल अस्पताल है जिसका काम है मायागंज भेज देना जी। थोड़ा सा कमी तो है अस्पताल में भी हल्की सी जी, चिकित्सकों की भी संख्या काफी कम है डॉक्टर साहब जी, आबादी के अनुपात में चिकित्सकों की संख्या काफ़ी कम है जी। और अभी जो नए सब जो डॉक्टर जो तैयार हो रहे हैं जी, वो हमको लगता है मैक्सिमम लोग सभी बाहर चले जा रहे हैं जी। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ये सब में जो है, और सभी जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके वहाँ अपना प्रैक्टिस, नहीं वहाँ अपना एक जॉब पकड़ लिए, अपना है अपना परिवार के साथ लोग जा रहा है। नए डॉक्टर्स जो है बिहार में थोड़ा कम आना चाह रहा है, इधर से देखते हैं संख्या तो कम है। तो इस तरह तो मान लीजिए डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आप हैं या और भी कुछ MBBS हैं, गिनती उंगली पर गिना जा सकता है। नौगछिया में डॉक्टर की संख्या उंगली पर गिनी जा सकती है, लेकिन जनसंख्या की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से यह पुल बन गया और बाबा विश्व राउत बन गया तो सीधा मधेपुरा जुड़ गया नौगछिया से, लेकिन इसकी स्थिति में कब तक बदलाव हो सकता है? आपको लगता है कि किस तरह की पहल सरकार को करनी चाहिए यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए? सरकार की तरफ से पहल तो जारी है, अब तो देखते हैं अपॉइंटमेंट शुरू हुआ है विगत 2-3 वर्षों से। नीतीश के पूर्व में तो स्थिति और थोड़ा ज़्यादा खराब थी जी, लेकिन इधर 4-5 वर्ष से देखते हैं कि डॉक्टरों को अपॉइंट किया जा रहा है जी, लोग आ भी रहे हैं जी। वो प्रैक्टिस में कितना क्या है तो, लेकिन इधर से कुछ जो है संख्या बढ़ी है पहले से जो है, डॉक्टरों की संख्या जो है अपने नौगछिया में नहीं लोग आए अलग बात है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लगातार जो है कुछ कमेंट पढ़ते चलते लगातार आ रहे, बस कुछ महज कुछ ही मिनट का ये इंटरव्यू से इस बचा हुआ है। एक रविंद्र कश्यप लिखते हैं कि कोरोना फिर से विकराल रूप ले रहा है, डॉक्टर साहब क्या लगता है कि फिर से? और लेकिन जिस रेशियो में बढ़ रहा है केस कोरोना का और आम जनता की तरफ से भी जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है जी, कि ये पीछे वाले का जो रिकॉर्ड था वहाँ तो पहुँच चुका है जी, आज 93,000 है जी, कल 92 था, आज 93 हो गया जी, न्यू केसेस जी। तो अगर ये रहा तो अभी तो मान लिया जाए अप्रैल मई बाकी है जी, तब तो हो सकता है या जा सकता, सरकार को जो है स्टेप उठाना पड़े। क्या बात है। और इसके बाद जो है MD तैला तैयाब अली आलम लिखते हैं कि डॉक्टर VP सिंह वेरी वेरी नाइस, शुक्रिया, धन्यवाद। भानु कुमार लिखते हैं बहुत अच्छा, थैंक यू भानु जी। मनोज शर्मा लिखते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे नौगछिया के लिए भगवान हैं, कमेंट लिख रहे हैं, आपका लाइव देख रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो भगवान है नौगछिया के लिए। अरे लगातार और लाइव में वो बने हुए हैं। बाबू विधान चंद्र भगत लिखते हैं नमस्कार, नमस्कार पंकज चौधरी, नमस्ते, धन्यवाद। और राजा राज ने लिखा है फिर से लॉकडाउन हो सकता है क्या सर? तो सर ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल वीडियो देख लें। अगर आप लाइव में देर से जुड़े हों तो जब यह लाइव वीडियो समाप्त हो जाएगा फिर से वो वीडियो बिल्कुल 7 दिन तक पिन रहता है, आप किसी भी समय निकाल कर इस लाइव वीडियो को देख सकते हैं और जो डॉक्टर साहब ने कहा है वो आपको मिल सकता है। डॉक्टर दीपक कुमार प्रेम लिखते हैं नमस्कार, नमस्कार दीपक कुमार लिखते हैं कि छोटे बच्चे के कंसिपेशन के लिए क्या मेडिसिन दिया जा सकता है डॉक्टर साहब? उसके लिए तो लैक्टुलोज का सॉल्यूशन आता है जी, और उसका डोज जो है बच्चे के एज पर डिपेंड करती है, सबसे बेहतर वही होता है, लैक्टुलोज सॉल्यूशन जो है जी वही जो है देना चाहिए।
एमडी एमडी सजा लिखते हैं, छोटे बच्चों को डॉक्टर साहब हार्ट में छेद क्यों होता है? वो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स है, वो जो है माँ के गर्भ से ही रहता है। माँ के गर्भ से ही वो जो है बनावटी गड़बड़ी है। पूजा झा नमस्ते, थैंक यू। दीपक अग्रवाल लिखते हैं कि डॉक्टर साहब उच्च हाई जो बीपी वाले लोग हैं और शुगर के पेशेंट हैं, क्या उनको कोरोना इंजेक्शन दिया जा सकता है, ये वैक्सीनेशन कराया जा? बिल्कुल बिल्कुल बेहिचक, क्यों नहीं, बिल्कुल सेफ इंजेक्शन है, 100% सुरक्षित है। और सब उनको तो और पहले लेना चाहिए, सरकार भी पहले दिलवाई उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि आपको वैक्सीनेशन, आपका वैक्सीनेशन हुआ है डॉक्टर साहब? हमारा नहीं हुआ, हम करा लेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ के डॉक्टर साहब के का भी कंप्लेंट था, डॉक्टर आरजी राय तो बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में आकर उन्होंने कहा कि सरकार और यहाँ की स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो डॉक्टर्स, नौगछिया के डॉक्टर पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि ना डॉक्टर साहब को लगाया गया, ना उनके कंपाउंडर या टीम को लगाई गई, तो कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन ने इसे अनदेखा किया, जबकि वो हमेशा सेवा के लिए नौगछिया में तैयार रहते हैं। थोड़ा सा हुआ जरूर है जी, थोड़ा सा हुआ जरूर है बिल्कुल। और जब लाइव इंटरव्यू में आए तो उन्होंने इसकी भी चर्चा की, बोली नहीं बिल्कुल जो है ये बिल्कुल प्रशासन की जो है लापरवाही है। उन्होंने एक एसोसिएशन जो आपका ऑल इंडिया मेडिकल वाला है उनको भी उन्होंने लिखित रूप से दिया था कि सभी यहाँ के जितने भी निजी चिकित्सक हैं और भी जितने सेवा दे रहे चिकित्सक हैं उनका भी वैक्सीनेशन हो, उनके कंपाउंडर का भी वैक्सीनेशन हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल था जो लोग देखते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, कहा जा रहा है कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो विपक्ष के लोगों ने, यानी जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी विरोध कर दिया, जिसके कारण भी बहुत कम लोग हैं जो टीकाकरण करवा रहे हैं। नहीं, अब जो है ये भ्रम दूर हो गया है। अब जो है शुरुआती दौर में कुछ थी ये सब बातें, लेकिन अब धीरे धीरे जो है लोगों के दिमाग से ये सब बात निकल चुकी है और लोग अब जो है स्वेच्छा से जो है वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो है काशी गुप्ता लिखते हैं, डॉक्टर साहब हमारे लिए देवता हैं बिल्कुल। सुभाषन वर्मा, अभी जो हमने आपको कहा कि 10 थोड़ी देर की इंटरव्यू है, तो उन्होंने वीडियो देखकर लिखा कि इतनी देर तो सर जी हर रोगी को देते हैं, इसलिए इंटरव्यू कुछ लेट भी चले तो कोई हर्जा नहीं है। इतने लोग प्यार करते हैं डॉक्टर साहब आपको, इनको क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इनका क्या राज है जो है लोग एकदम लाइव इंटरव्यू में भी नहीं मौका छोड़ रहे जी? यहाँ के लोगों का स्नेह है लोगों ने, इसलिए हम उन लोगों का मतलब सबका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं उन लोगों को। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा बहुत ज़्यादा देर का ये इंटरव्यू नहीं है, महज 10 मिनट से भी कम का ये इंटरव्यू शेष रह गया है। डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि वैसे लोग जो अभी भी मतलब उस लेवल के नहीं हैं जो अपना इलाज करवा सकते हैं या उनके पास पैसे नहीं हैं, डॉक्टर साहब उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है, जो लोग जो इलाज कराने लायक नहीं है, मतलब जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है? वो हर दृष्टिकोण से उसका जो भी मेरे क्लिनिक से संभव हो पाता है, दवा से, इससे, उससे, आर्थिक रूप से जो रियायत हम उसको कर सकते हैं उतना हम करते हैं। और लोग जो बोला हमसे यही कर लीजिए, हमसे इसे कर लीजिए, हम किसी चीज़ में किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। अपना जो लोग अपना राय रखा, हम अपना मान लिए उसको, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि जो डॉक्टर साहब को देते हैं डॉक्टर साहब रख लेते हैं, कभी कुछ बोलते नहीं? हाँ, वह तो मेरे स्वभाव में ही शुरू से रहा है। जी क्या बात है। और जो है अब हम ज़्यादा देर नहीं लेंगे और डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हम यही अभी संदेश देना चाहेंगे कि लोग जो है, हर व्यक्ति जो है मास्क का उपयोग करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, कुछ करे या नहीं करे मास्क तो निश्चित रूप से पहने। ये समय अभी बोल रहा है, अभी का समय यही कह रहा है कि मास्क को फिर से अपना लो, मास्क पहनना जो है निश्चित रूप से उसको जो है चालू कर दो एकदम। मास्क
का उपयोग नहीं करना वो अपने लिए तो जो है समाज के लिए भी बहुत बड़ा घातक है। इसलिए हम यहाँ की जनता से अभी बस एक ही निवेदन करेंगे कि वो मास्क पहनना फिर से चालू कर दें। समय बोल रहा है, इससे जो है सो हर समाज बचेगा, राज्य बचेगा, देश बचेगा, विश्व बचेगा। मास्क पहने, और मास्क से बड़ा कोई कारगर कोरोना से बचने का उपाय ही नहीं है। इसलिए मास्क को अपना लें और हर व्यक्ति जो है मास्क पहने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सिर्फ लास्ट में एक था, एक ने कमेंट किया है कि कमर दर्द और जो है पैर दर्द, उसका कोई उपचार अगर जब तक मैं वो क्लिनिक पहुंचे तब तक आप उन्हें कोई बताना चाहेंगे? उसके उपचार में है कि तीन चीज़ हार्ड बेड पर सोएं, जैसे हम लोग चौकी उकी पर बताते हैं, हार्ड बेड, हार्ड बिछावन, आगे झुकें नहीं और आगे झुक कर कोई सामान नहीं उठावें, हमेशा सीधा होकर बैठें, सीधा होकर चलें, कमर को झुकावे नहीं। कमर को नहीं झुकाएंगे तो 50% 60% दर्द समाप्त हो जाएगा। अगर कमर को स्ट्रेट रखेंगे सीधा, तो कमर को झुकाने से, आगे झुकाने से बचें। उससे भी ज़्यादा हो तो एक जो है बेल्ट आता है, लंबो सेक्रल बेल्ट, दिन में उसको पहना करें, वो आगे बेंड नहीं होने देगा कमर को। थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज हल्का फुल्का, बाद में दर्द जब रिलीफ हो तो अपना। डॉक्टर साहब, हमारी टीम को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि रात में काम करती है, निरंतर 12 लोग हैं जो बैठकर कुर्सी पर रात में भी जग कर काम करता है लगातार, और हम लोग भी बिल्कुल एक एनर्जी के साथ रहते हैं, दिन में हो कि रात में हो, उनका भी लंबा समय चलता है कुर्सी पर बैठकर, कुछ लोग लेट कर जो नाइट वर्क वाले हैं और जिनको करना ही है। जी डॉक्टर साहब, जिनका ये है हमेशा, जिनका मतलब लंबे देर का जिनका वर्क है, तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि ये सब तरह के आदमी जो है बैक पेनर से जो है ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा, कमर दर्द उर्द से। जी जी। हमेशा कहीं भी किसी भी काम में रहिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि हम जो है स्पाइन को स्ट्रेट रखें, रीढ़ के हड्डी को ऑलवेज सीधा रखें, और बीच बीच में जो है थोड़ा देर के इंटरवल पर थोड़ा सा पोस्चर को चेंज कर लेना चाहिए, कंटिन्यूअस एक पोस्चर में नहीं रहना चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अचानक कभी अगर किसी को दर्द उठ जाए कमर में या पाँव में, तो तत्कालिक उनके लिए, ये चूंकि सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारी जो टीम के लोग हैं, जो लड़कियां हैं, जो फीमेल हैं, वो घंटों काम करती है रात में बैठ के, तो उनका सवाल था कि डॉक्टर साहब से जब पूछा करें तो हम लोगों के लिए भी सवाल हो, हमारी टीम, हम किन से पूछने जाएंगे? तो हमको क्या कहा जाता है कि आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप हमारी ओर से सवाल पूछें। तो वैसे लोग जो लेडीज़ हैं डॉक्टर साहब और लंबे समय तक बैठकर काम करती हैं, उनको सिवाय, ये तो आपका अच्छा सलाह रहा, इसके अलावा भी कुछ देना चाहेंगे, अचानक दर्द उठ जाए कभी पैर में या कमर में तो क्या करें? कुछ थोड़ा सा वही कहें कि पोस्चर को चेंज कर लें और स्पाइन को स्ट्रेट कर दें। जी, अगर कमर उमर में दर्द उठ जाए तो स्पाइन को जो है, रीढ़ के हड्डी को एकदम स्ट्रेट कर दें सीधा, चाहे तो बिछावन पर लेट के एकदम। स्पाइन जहाँ सीधा हुआ, रीढ़ का हड्डी, दर्द जो है खत्म हो जाएगी 5 मिनट के बाद। धन्यवाद। और एक बार लास्ट में उस कमेंट पढ़ देते हैं, और जिनका लगातार सुबोध कुमार जो पिछले 17वें एपिसोड के परफॉर्मर ऑफ द डे वो आ चुके हैं, उन्होंने लिखा है कि नौगछिया जैसे पिछड़े इलाके में डॉक्टर साहब आदरणीय बीपी सिंह जी का योगदान सराहनीय, वरुण जी ऐसे सम्मानित डॉक्टर साहब को आम जनता से रूबरू कराने के लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद है आपको सुबोध जी, और सलाम करती है हमारी टीम कि आप लोग जैसे लोग हैं जिनके बदौलत हमारा टीम या हम लोग किसी कार्य को करने के लिए सोच लेते हैं और पूरे ऊर्जा के साथ कर लेते हैं, जैसे आज डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात है। और पंकज गुप्ता नमस्कार लिखते हैं, नमस्कार एमडी साजी लिखते हैं, गुड मैन वीपी सिंह नौगछिया, लेट्स गो। और काशी गुप्ता लिखते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे लिए भगवान है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब हमारे सामने में और इनका जवाब हम आपको दे रहे हैं। डॉक्टर साहब लगातार लोग लिखते जा रहे हैं आपकी वीडियो पर कि हमारे लिए भगवान है, भगवान है। कुछ एक अंतिम में सिर्फ बता दें जाते जाते कि कुछ ऐसा चीज जो आपके साथ हुआ और लोग आपके फैन हो गए डॉक्टर साहब, सेवार्थ में तो आप जुड़े हुए हैं।
वो तो आदमी के इस पर डिपेंड करता है कि वो अपने प्रोफेशन को कैसे डील करता है जी। और उसी में जिनको संतुष्टि मिल जाती है तो वो बेहद, और उनके अनुसार सब कुछ हो जाता है तो बेहद प्रसन्न है। क्या बात है। और लगातार हमारा सवाल जवाब चल रहा था, बहुत लंबा नहीं चलाएंगे क्योंकि डॉक्टर, आप लोगों को भी पता है कि डॉक्टर साहब तो इनका रूटीन बना हुआ रहता है हर चीज़ के लिए। और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं अभी भी जो लाइव कमेंट कर रहे हैं, मैं उन सबों से निवेदन करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें, बहुत बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर साहब ने अपने अनुभव के अनुसार जो 32 साल उन्होंने नौगछिया में बिताए हैं उनके आधार पर उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। और तो मैं एक बार फिर बताते चलूं कि आज के 19वें एपिसोड के परफॉर्मर ऑफ द लाइव इंटरव्यू के जो होंगे उनका हम लोग नामित करेंगे, उन्हें जानकारी देंगे और अगले प्रयास करेंगे कि अगले इंटरव्यू में उनकी चर्चा हो। तो आज के इस खास संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में डॉक्टर बीपी सिंह के साथ मैं वरुण बाबुल, और अंत में आपको इतना कहते हुए छोड़ रहा हूं कि इसी तरह आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जीएस न्यूज़।